इंडिया न्यूज़। योगेश्वर दत्त किसी भी वक्त बीजेपी में अब शामिल हो सकते हैं। योगेश्वर दत्त की सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के साथ हुई मुलाकात को लेकर इन कयासों को बल दिया जा रहा है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि योगेश्वर दत्त इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। योगेश्वर को राई विधानसभा सीट से टिकट मिलने की संभावना जाहिर की जा रही। देखिए, हर व्यक्ति प्रयास करता है जो एक बार विधायक बना के दोबारा से उसको सेवा करने का मौका मिले, और जो अन्य कार्यकर्ता उनका भी हक बनता है कि अपनी बात को आकर के रखें, तो उसी सिलसिले में लोग आकर के मिल रहे हैं। देखिए, योगेश्वर दत्त आज मुझसे मिले हैं और वो अपना इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होंगे।